जे अदब जे हवाले सां गाल बोल त कंदासूं, पर उनजी शख्सियत उनजे रहणी कहणी जी भी आगाही असां हिते जेके दोस्तनि खे उहा बि ॾियूं, जेके असांजा ई लाइव जेके ॾिसी रहिया आहिनि उहे बि ॾिसी सघंदा। त शुरूआत कंदासूं असां साईं अदिल सुमरे साहब खां। साईं अदिल साहब, नसीम खल उन वक़्तु सिंधी ॿोली जो हिकु अहिड़ो कहाणीकार हो जॾहिं सिंधी ॿोली में कहाणी जो दौरु उरूज माणे रहियो हो ऐं उरूज ते लॻभॻि पहुतो हो, ऐं तव्हां बि उन वक़्तु अदबी सफ़र में हुआ, त उन वक़्तु नसीम खल जेकी अदबी दुनिया हुई उनखे छा उहा मञता ॾेई रही हुई? नसीम खल हिकु वॾे कहाणीकार तौरु उन्हनि में क़बूल पइजी रहियो हो? शुरूआति में नसीम खल साहब जॾहिं लिखणु शुरू कयो त उन में तमामु वॾा राइटर हिते मौजूदु हुया, ऐं घणनि खे त इहो शक पए पियो त शायदि इहो नकली नालो आहे, का औरत आहे या लेखक आहे जेको शॉर्ट स्टोरी राइटर जेको औरत जे नाले सां लिखी रहियो आहे। पर अॻिते हली नसीम खल उहो साबित कयो त उहो हिकिड़ो बाक़ाइदे बरजुस्तो कहाणीकार आहे। उन जूं कहाणियूं जेके आहिनि, ख़ासि तौर ते अफ़साना जेके, उहे थोरा इनफ़रादियत वारा हुया ऐं मुनफ़रिद हुया। ऐं तव्हां जॾहिं हाणे नक़ाद तजियो कनि था इन्हनि कहाणियुनि जो, त असांखे जीअं शॉर्ट स्टोरी राइटर्स आहिनि मुख़्तलिफ़, उन्हनि में घणनि मिसाल कंहिं जेकॾहिं 20 कहाणियूं लिखियूं त उन मां 5 खनि शाहकार हूंदियूं या रेफरेंस तौरु 4-5 हवाले तौरु ॻणबियूं। पर नसीम खल अहिड़ो कहाणीकार आहे जंहिं जूं तमामु घणियूं कहाणियूं, उन में शाहकार कहाणियूं चऊं या मुनफ़रिद कहाणियूं चयूं या पंहिंजे घाड़ेट जे एतबार खां या उनजे मौज़ूअ जे एतबार खां उहे उन्हनि ॿियनि कहाणीकारनि खां मुख़्तलिफ़ आहिनि। ख़ासि तौर ते मां उन ते जेका नसीम खल तनक़ीद इहा थी त हू वॾेरे क्लास जो माण्हू आहे ऐं ख़ासि तौर ते उनजो तबक़ाती समाज जेको आहे उनजी जेका तज़ाद आहिनि या क्लास सोसाइटी आहे त उनमें कंहिंखे धुर नथो थिए। ऐं मां सम्झा थो इहा उनजी नसीम खल जी इनफ़रादियत हुई त हू अॻु में हिकिड़ा जीअं असां वटि कहाणीकार उन वक़्तु ट्रेंड इहो हुयो त जेके समाज जा अहिड़ा फ़र्द मिसाल जीअं शेदू धाड़ेल, बिलू दादा या पिशू पाशा, अहिड़ा कैरेक्टर्स जेके आहिनि उहे उन्हनि कहाणीकारनि घड़िया हुया या के रियल ज़िंदगीअ सां वास्तो रखंदड़ हुया। पोइ उन्हनि अॻु में हिकिड़ी तय थियल शयूं हूंदियूं त हीउ अरेंज थियल माना हीउ हिकिड़ो माण्हू आहे हीरो, हिनखे ज़रूरु साबित करिणो आहे। पोइ उन ट्रीटमेंट में ई उहा कहाणी अॻिते हलंदी। नसीम खल वटि ईअं न आहे। नसीम खल उहो उनजो जेको बि समाज आहे, जेको मिसाल वॾेरको समाज आहे या सिंधी समाज जी जेका माण्हू किरदारनि जी नफ़्सियात आहे उनखे जीअं जो तीअं पेश करे थो, पर हू छॾे रीडर्स ते थो छॾे त हू पढ़ंदड़ पाण जेको उन ते उनजे बारे में तय कनि। पर असां वटि काफ़ी कहाणीकार अहिड़ा जेको जिन जेके कहाणियूं लिखियूं त उन्हनि में हू अॻुवाट तय करे छॾींदा त माना हीउ छाकाणि त हिकिड़ो हीरो आहे कहाणीअ जो त इनखे साबित इहो ई करिणो आहे त हीरो साबित थिए। पर नसीम खल ईअं न कयो। हाणे तव्हां उनजूं जेके वॾेर के समाज ते कहाणियूं आहिनि, हिकिड़ी आहे कचो रंग। कचे रंग में जेको वॾेरे जी नफ़्सियाती आहे त भई हू घणे खां घणो माल मेड़जे ऐं उनखां अलावा जेको कामोरो तबिको आहे, वेरो क्रेट आहे, उनजी खुशामद चापलूसी, इहो हिकिड़ो जो उन कहाणी में इहा बयानु थियलु आहे त कहिड़ी रीति वॾेरा जेके आहिनि उहो माल मेड़ण जी कोशिशि कनि था या वरी पंहिंजो कामोर जेको ब्यूरोक्रेट्स आहिनि उन सां हिकिड़ो तालुक जोड़ण लाइ कचे रंग में इहा हिकिड़ी नफ़्सियात बयानु थियलु आहे। अहिड़े नमूने सां तव्हां गट्स ॾिसंदो कहाणी, गट्स में इहा त वॾेर के समाज जा जेके नौजवान आहिनि ॿार, उहे जॾहिं शहर में अचनि था त पोइ उतां जी शहरी औरतूं जेके जीअं उन्हनि खे पंहिंजे फासाइनि थियूं पंहिंजे नाज़नि अंदाज़नि सां त उहे कीअं उन में फासजनि था, इन क़िस्म जी कहाणी। अहिड़े नमूने सां जेका आथत कहाणी आहे उहा जॾहिं वन यूनिट जे दौर जी कहाणी आहे त असांजा जॾहिं वॾेरा फसल लहंदा हुया त पोइ इहे पंहिंजा ख़र्च उते लाहौर में वञी करे ईंदा हुआ त उन्हनि हवाले सां अहिड़े क़िस्म जूं कहाणियूं उन्हनि जी नफ़्सियात खे बयानु कनि थियूं पियूं वॾेर के समाज जूं। पर उन ते जेका तनक़ीद जेका नसीम खल ते इहा थी उन दौर जे नक़ादनि इहा कई त हू उन्हनि में हू हिकिड़ी वाज़े तौर ते धुर कोन्हे को उनखे माना क्लास सोसाइटी जा जेके तज़ाद आहिनि उहे बयानु करणु खपनि या जेको इस्तिसाली ग्रुप आहे त उनजे ख़िलाफ़ उनजे कारण में नफ़रत हुजणु खपे जेका उहा नथी मिले। असां पाण तव्हां न अचूं पिया त
त नसीम खल साहब जो हिकड़ो ही अदबी क्लास है, उन जी अदबी हैसियत है, पर उन सा गद उन जेके अदबी दुनिया है उन सा उन जो जको ताल्लुक रहो है, खास तौर ते जेके अदबी संगत है खैरपुर में मुतहरिक करण जे हवाले सा भी उन जो वडो किरदार रहो है, तवा छा समझो त उन अदबी दुनिया सा उन जा जेके लागा पा उए केड़े तर्ज जा हुआ है, की हुआ छा उन में हु वडेरो हुंदो हिकड़ो जेस तई ताल्लुक है असाजे उन सा मुलाकात जो उन सा डेट वेट जो उन के परखण जो कदें भी ये महसूस न कर तो को नसीम खल साहब जो वो वडेरो यकीन वडेरो तो हो वो जमींदार हो नाले वो जमींदार हो पर उनको जो कंट्रीब्यूशन है वो इन संदस बी सुणप वडेर की जो सुणप हुई उनते उनको कंट्रीब्यूशन उन कम उन तख्लीक जे उन हावी रही। नसीम साहब सा काफ़ी अदबी प्रोग्राम असानी नौजवानी है नओ नओ लिखण शुरू किया है 70s जो दौर है त नसीम साहब सा मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में भी मुलाकातूँ थी उनके घर वजन जो भी मौको मिलो वो एक दफा बदकिस्मती से ये भी चवंदुस तो संदस जनाजे नमाज में भी शरीक रहासी तो उन काफ़ी मुलाकातूँ रही पर उनके जाती तौर से कदें भी ये महसूस न कर तो वडेरो है उन जो जो मेल मुलाकात हुई उनको गेस्टर्स हुआ उनके अदीबन डा उ एक राइटर वारा हुआ यकीन उनको हल्को हों जैसा उनकी उथ वेह होंगी जैसा वो वेझो हों उन जिंदगी जहा पहलू भी जरूर डिठा हूँ पर अस उनके सिर्फ एक राइटर की हैसियत से वे कहानीकार की हैसियत से डिठो अदब एहतराम वाले रिश्ते में गणजी कर डिठो। अच्छा उनको जो अदबी हवाले से जी तंजीम होंदूँ उन्हें उनको रवैयो हों उनमें वो शख्सी तौर अची कंट्रीब्यूट कह हो उन मुतहरिक कर हवाले से उनको किरदार हो को अदबी संगत जो जिक्र किया हाँ अदबी संगत जै वक्त में डॉक्टर तनवीर भाई साहब वाले हलो सो अदबी कम जो मुख्तलिफ़ सचल जहाँ कॉन्फ्रेंसू या बिहार तो उन्होंने तो एक्टिव उन्होंने गुड रो एस सच अदबी संगत जो खैरपुर वाली उनमें उनके अदबी प्रोग्राम में जरूर डिठो तो अदबी प्रोग्राम में शरीक थो उत सदारत कदे भी उनके डिठो से उनमें एक पार्टिसिपेंट की तौर पर भी उनके शामिल डिठो से पर अदबी संगत में अस शायद अस में जो अड़ो कोई वक्त हो जैमें नसीम साहब उनमें एक्टिव रो हो पर प्रोग्राम में जरूर इंदो शर्जील साहब तवा असा गाल बोल जी शुरुआत फैमिली जी हवाले से पे शुरुआत कंदासूं जाहिर है बटे सवाल बया भी आन मुखे ज़हन में तो जे जानंदर जाने सगन पेरे तो उनजो कहानी जी निस्बत सा जदे उन कहानियों ते लिखियों करंट जेडियों आथत जेडियों छा फैमिली में कुछ महसूस थिंदो ही किथे असान जी रिफ्लेक्शन नथो दे क्लास जी पोन ते को फैमिली जे अंदर पोन ते क्रोध थिंदो को एड़े किस्म जी का फील थिंदी माश तो मुझी उम्र 8.5 साल हुई जैसे उन्होंने शहादत थी तो मुख्य तो यादगिर नंढे होंदे जो आन उन तमाम घणी यादगिर मतलब फैमिली मेंबर्स का ताई बुधो करे बाद में जाहिर है जैसे उनकी शहादत का पोए जो वक्त गुजरो उनमें पे तो 2-3 साल मुख्य याद आन शहादत का पोए तो फैमिली में घणो डिस्कशन कोन थींदो बिकॉज हू वाक्यो ही एडो दर्दनाक हुयो जो सजो सजी फैमिली हिली वही उनते तो डिस्कशन कंदे ही मुझे वालिद साहब या उन्हनि जी बेवा या मुझी चाची उहे डिस्कस करण खां हेजिटेट कंदा ऐं उन टॉपिक खे चेंज कंदा पर पोइ बाद में आहिस्ते आहिस्ते ई डिस्कशन्स आयूं ऐं उन में बिल्कुलु एनेक्डोट्स आया पुराणा जीअं उन्हनि जी वॾी न्याणी जी मुझी वही मसाद भी आ मुझी वही सौट भी आ उन किस्सो पे बुधायो त बल्कि किस्सो छा बुधायो उन्हें यो बुधायो पे त जदे भी हो सजी रात लिखंदा हा स्टोरी कंप्लीट कंदा मतलब हिकड़ी हुआ त लिखंदा रहंदा रेगुलरली जी हाँ 34 दर उन्हें 3 महीना लगा कंप्लीट करण में पर जो क्लाइमेक्स हों रात जो स्टोरी खत्म करण जो जैसे उनके कमरे में असा वेंदासीं त खट के हेठा ऐश ही ऐश हों सजी रात पा
सिगरेट पीअंदा ऐं सुबुह जो बजाए पूरी निंड करण जे सवेरे ई जेके उन्हनि जा हमअसर दोस्त हूंदा उन्हनि खे फ़ोन करे ऐं बाक़ाइदा टहक ॾेई ऐं ख़ुशी में सेलिब्रेट कंदा त मूं अॼु राति ई मां स्टोरी कंप्लीट कई आहे ऐं पोइ उहो सॼो ॾींहुं सॼी फैमिली लाइ ख़ैर मां त उन्हनि जो भाइटो आहियां पर फैसल थोरी देरि में ईंदो ऐं असांजा जेके ॿिया कज़न जो आहे उन्हनि जी औलाद मां उहो उन सॼी फैमिली लाइ ज़बरदस्त ॾींहुं हूंदो उन्हनि लाइ ख़ासि मानी पचाईंदा ऐं वॾी हाणे दावत जो समो हूंदो सो उन लिहाज़ सां उन्हनि जो इहो पहलू तमामु ज़बरदस्त हो ही वॉज़ अ फैमिली मैन कराची ॿारनि खे वठी वञणु ऐं ॿियो उन ज़माने में हाणे त ख़ैर नियाणियुनि खे पढ़ाइण जो इंटीरियर जी जेकी वॾेर को क्लास चइजे या इवन इंटीरियर जेके घराणा आहिनि ॿिया अपर मिडिल क्लास चइजे उन्हनि में नियाणियुनि खे पढ़ाइण जो त रुझान घणो वधी वियो आहे पर 60s एंड 70s में असांजूं जेके सौटरूं हुयूं उन्हनि जूं नियाणियूं उन्हनि सभिनी खे उन्हनि टॉप क्लास एजुकेशन ॾिनी ऐं उन्हनि खे हॉस्टल्स में पढ़ायऊं उन्हनि खे ॿाहिरि कढियऊं मेडिकल कॉलेजिस में यूनिवर्सिटीज़ में त उन्हनि जे ज़हन में उहो हिकिड़ो को कंपार्टमेंटलाइज़ेशन उन्हनि कोन रखी हिकिड़े ख़ासि टैबू सां त मां पंहिंजे नियाणियुनि खे कीअं घरनि मां ॿाहिरि कढां ऐं उन्हनि खे मोकिलियां शहरनि में पढ़ाइण लाइ सो बाक़ी वॾी शख़्सियत हुई मूंखे अञा बि यादि आहे त मास्टर त मुंहिंजा वालिद साहिबु सिर्फ़ु 2 साल ई नंढा हुआ उन्हनि खां पर मुंहिंजे वालिद साहिब जी बि हिमत कोन थींदी घणो ॻाल्हाइण जी उन्हनि जे साम्हूं बिकॉज़ हिकिड़ी टावरिंग शख़्सियत हुई अदब में उन्हनि जी उन्हनि जो स्टेचर हाणे ॾिसो 56-57 खां लिखणु शुरू कयो अथऊं त 22 सालनि में अल्ला ताला उन्हनि खे स्टेचर ॾिनो एॾी यंग एज में त उहो स्टेचर पंहिंजी जाइ ते ऐं पोइ जंहिं तरह में ज़मींदारी असांजी हुई उन महिल ऐं हाणे बि आहे उहो ॾुखियो तर हो उन में दुश्मनियुनि जे करे ई चाचा जी शहादत थी त उनखे फेस करणु ऐं सॼो त उन शख़्स उन में उहे सभु शख़्सियतूं आहियूं ॿियो साईं ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह जी शागिर्दी हुई उन्हनि जी लॉ कॉलेज मां बि त उहा बि हिकिड़ो उन ते असरु हो शख़्सियत जो ॿियो जेके बि असांजा ॿिया चाचा जा हम असर हुआ चाचा तनवीर अब्बासी थियो चाचा शमशीरुल हैदरी थियो रशीद भट्टी साहिबु थियो मरहूम चाचा हमीद सिंधी थियो त उन्हनि सां बि उन्हनि जी उहा ई निवड़त ॿियो चाचा हादी बख़्श लाड़िक सां हालांकि उन्हनि जी उहो पीपल्स पार्टी जा बानी मेंबर आहे ऐं चाचा शहीद पीपल्स पार्टी खां थोरो परे हो उन ज़माने में पर तंहिं हूंदे इहो मां वरी तव्हांखां अॻिते हली पुछंदुसि त पीपल्स पार्टी में न हुआ त मुमताज़ भुट्टे इहे कुझु वारो मामिलो बि डिस्कस कंदासूं हाणे इब्राहिम तव्हां रसीम खल साहब ते PhD कयो पिया रिसर्च कयो पिया त असां वटि सिंधी कहाणी में नसीम खल हिकु अहिड़ो नालो आहे जंहिंजे स्टाइल जी कहाणी घणनि खे मुतासिर कयो आहे पर पहिरियों इहो ॿुधायो त नसीम खल खे कंहिंजी कहाणी मुतासिर कयो उन में कंहिंजूं रिफ्लेक्शन्स मौजूदु आहिनि पोइ नसीम खल जी कहाणी जूं वरी असांजी सिंधी कहाणी में कंहिं ते रिफ्लेक्शन्स आहियूं तव्हां जेको रिसर्च में यकीननि इहे शयूं कढियूं थियूं उहो मामिलो छा आहे सभ खां पहिरियों त हिकिड़ी ॻाल्हि जी वज़ाहत करणु चाहींदुमि त नसीम खल सिंधी अदबी संगत शाह खैरपुर जो सेक्रेटरी रही चुको हुयो 66 ऐं 67 जे अरसे साल दौरान ऐं हुन जो अदबी हवाले सां उन्हनि मीटिंग्स में हुन मंटू जा 3 कहाणियूं जेके हुयूं उहे तर्जुमो बि कयूं हुयूं ऐं हुनजो वॾो कंट्रीब्यूशन हुयो उन हवाले सां अदबी संगत में उनखां पोइ तव्हांजो जेको सुवालु आहे त उन में जेके इंस्पायरेशन आहे नसीम खल मंटू खां बि इनडायरेक्ट इंस्पायर हुयो चीखोफ खां बि इनडायरेक्ट जेको आहे सो मुतासिर हुयो मोपासां खां बि इंस्पायर हुयो ओहनरी खां बि मुतासिर हुयो इन्हनि सभिनी जो जेको तस्करो आहे उहो मज़मूननि जे हवाले सां सिंध जे ॾाहनि उनखे उन में इंस्पायरेशन जे हवाले सां बयानु कयो आहे उन में वॾे में वॾी ॻाल्हि जेका इहा हुई त हू जॾहिं कहाणी ख़तमु थो करे त उहो अहिड़ी जाइ ते ख़तमु थो करे जेको पढ़ंदड़ खां छिरक निकिरी थो वञे या उन में नसीम खल साहब जा फर्ज़ंद फैसल खल साहब असांजे विच में मौजूदु आहिनि मां खेनि गुज़ारिश कंदुसि तूं असां सां अची विया आहिनि फैसल खल साहब
जी इब्राहिम ता पंजी गाल अच्छा इंस्पायरेशन जी गाल पे कैसी पान ता मगरबी हवाले सा या मशरकी हवाले सा हु एडन नामयारन कहानीकारन का मुतासर हो जेके खास करे कहानी जो क्लाइमेक्स में शिरकाईंदड़ इंकशाप कन था जैमें असो चीखो भी अची वे तो ओहनरी भी अची वे तो मोपासा भी अची वे तो इंडिया में जैसे ऐसूँ तो मंटू भी अची वे तो प्रेमचंद खास कर प्रेमचंद का वो तमाम घो इंस्पायर हो उनकी कहानी है अहंसा पर मोधरम जहाँ सजी कहानी नसीम खल के कहानी से जुमलन तई मैच थी करे नसीम साहब आखिर में लिखो है तो काफर सो काफर उन आखिर में यो लिखो है कमीना सो कमीना तो उनके करेक्टर में एक हामिद करेक्टर है जो मुसलमान है जाहिर में तो मुसलमान है पर हु जड़े दरगाहों ते मंदिर में वने तो वो सब मानू उनके ओन करण था चाहन वो उते कमकार में लगी तो वे उन्हें कमकार करे तो वे चाहन था तो ये जो असो मजहब अपनाए हिंदू चवंदा ये असान जे मंदिर में कम करे आखिर में जड़े उनके लालच दियन था उनको कें नंढी गाल से जेड़ो थी तो पे तो आखिर में वो उन सब सामान वामान खड़ी वे तो आखिर में वो चवन था ये मुसलमान न कमीना वो ही कमीना है जी काफर में नसीम साहब वो दिनो है जैसे वो पाँ पाड़ो वेड़ो सज छे अचे मुसलमान थे तो आखिर में जैसे उनकी भेण बीमार थी थे तो वो उन वे तो जो सवाल जवाब थे तो फतेह नारे के उन मुखिए के विच में जैकॾहिं ही पाण मरी वञे त हिन जे ज़ाल सां तव्हां शादी कंदो त हू चए थो त हा शादी कंदासीं जेकॾहिं मालिकाणी राज़ी हूंदी शादी कंदासीं पोइ मथां हू सुवाल थो करे त जेकॾहिं भला ठीकु आहे हिन जी ज़ाल मरी वञे त तव्हां हिनखे पाण वटां परणाईंदो त हू नारे जो हुनखे चए थो त ज़बान पंहिंजी संभाले ॻाल्हाए असां पंहिंजे पंहिंजी ज़ात सां जेको आहे सो मिटी माइटी कंदा आहियूं ऐं इन ॻाल्हि ते जॾहिं उहो साॻियो ई ॿुधे थो त हू पंहिंजे मुखीअ सां मुंडो मुंडे ॾेई ऐं वञे थो ऐं चवे थो त अहिड़ी आख़िरकार मूंखे पंहिंजा कम ईंदा पोइ मस्जिद में जॾहिं उहो थिए थो बयानु त उते उहो चए थो त कुतो छा ॼाणे कणिक जे मानीअ मां काफ़र सो काफ़र त इन मैचिंग जे हवाले सां इन ट्रेंड जे हवाले सां इन मौज़ूआती हवाले सां नसीम खल इलाही माण्हुनि खां मुतासिर थियो आहे ऐं हुन पंहिंजे पोयारनि खे पिणु मुतासिर कयो आहे सिंधी राइटर्स जे हवाले सां मां तव्हांखे जेकॾहिं हिनजे राइटिंग जे हवाले सां या उनजे स्टप में जेको जंहिं लिखियो आहे उहो मोहम्मद सिद्दीक़ मूवियो मौजूदु आहे असांखे ज़ुल्फ़कार कांधड़ी जूं कहाणियूं उन स्टप में मिलनि थियूं ऐं एतिरे ताईं जो मां पंहिंजे लाइ चवां त मूं बि उनखे नज़र में रखियो आहे त उनजो लैंग्वेज कीअं हुई उन स्टप कयो उनजो कहाणी खणत जो जेको अंदाज़ आहे उहो कीअं हो उहो किथे कहाणी खे छॾे थो उन में टेक्निक्स कहिड़ियूं हुयूं त उनजी जेका टेक्निक्स आहे नसीम खल जी उन मां घणा नौजवान मुतासिर थिया आहिनि ऐं अॼु ताईं इहो सफ़र जारी आहे ठीकु आहे पाण वधीक हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं असां सां मौजूदु आहिनि हिन वक़्तु नसीम खल जा फर्ज़ंद यकीननि नसीम खल जो नालो उन्हनि लाइ इंताही फ़ख्रु जी ॻाल्हि आहे पर तव्हां ज़ाहिर नंढा हुआ मासूम ॿार हूंदा जॾहिं हीउ वाक़ियो पेश आयो त नसीम खल साहिब जूं जेके यादगिरियूं आहिनि तव्हां उन्हनि खे पंहिंजी जेके इमेजिस आहिनि जेके नंढे हूंदे जा उहे कहिड़ा आहिनि जेके तव्हां उनखे ॾिठो या उन सां मिलिया उहे जेके शुरूआती इमेजिस आहिनि उहे तव्हां कीअं अॼु ताईं सांढे रखिया आहिनि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सभिनि खां पहिरां मां थो रायतो आहियां साईं मुमताज़ बुख़ारी अदा अयास गुल उनखां पोइ इब्राहिम उनखां पोइ साईं असांजो पंहिंजो
थोड़ो कंफ्यूज थी आधा धन सोन मां चंदो आधा धन और सब न का वधिक माथो राय तो आधा ताज जो है जो जे बाबा जी इतनी बेहतरीन कंपाइलेशन कई है ना किताब में त मतलब त जी पूरे समुद्र के एकड़े प्याले में समोए जे पुरोए जे मां साईं जन जो तमाम घणो थो रहे तो और उन का पो हाने साईं सरदार शाह बादशाह भी नजर अचन ताला से खुश रखे हाजिर ध्यान अच्छा साईं मुमताज साईं जने बाबा जन जी शहादत थी मां अठन वरियन जो हुस तमाम नंडी उमिर उन उमिर में अमूमन मानू मतलब त एतरी यादगिरियों न रखंदो पर इत्तेफाक एड़ो आ त शायद मुझी जिंदगी में ये थेणो हुयो त जको बार सेंसिटिव हुंदो आ उन जे जेके बचपन जो जेके यादूं हुंजन वो मोस्टली चिट्ठियूं हुंदियूं आहिनि बाबा असां सां साईं हद खां वधीक प्यारु कंदो पर सिर्फ़ु मूंसां न मूंखां वधीक उहो शर्जील सां प्यारु कंदो हुयो छाकाणि जो शर्जील जेको आहे उहो ख़ानदान में पहिरियों पुटु हुयो एज़ अ मेल बॉर्न बेबी त शर्जील सां हुनजी वधीक चाहत हुई ऐं डेफिनेटली पुट जे हिसाब सां बाबा सां कई वक़्तु असांजा जेके घारिया अध खां वधीक ॻाल्हियूं शर्जील ॿुधाए चुको त बाबा एतिरो कंज़रवेटिव न हुयो बाबा लिबरल हुयो ऐं मेन ॻाल्हि इहा त मां बाबा खां न इन करे थो इंस्पायर थियुमि त मुंहिंजो पीउ हुयो पर बीइंग एज़ एन अ राइटर ऐं बीइंग एज़ एन अ ह्यूमन इंसानी जे हवाले सां मां उन माण्हू खे ॾाढो सचो खरो ऐं स्ट्रेट फॉरवर्ड ॾिठो ऐं मूंखे ख़बर आहे जॾहिं असां उन मंज़िल ते पहुतासीं जवानी जी ऐं थोरो शऊर आयो त जेको अर सचो ऐं खरो माण्हू हूंदो आहे उहो अरॾो बि हूंदो आहे ऐं बहादुर बि हूंदो आहे कंहिं माण्हू उन बहादुरी खे जेको आहे बेवकूफ़ी सां तरजीह ॾींदा आहिनि छाकाणि जो डेफिनेटली जेको बहादुर हूंदो आहे उहो दिमाग़ सां घटि दिलि सां वधीक सोचींदो आहे त तव्हांखे मां ॿुधायां त बाबा जो मेन जेको फोकस हुयो उहो इहो हो त जेके मुआशिरे में बुरायूं आहिनि उनखे वाइको कयो वञे ऐं उन कोशिशि करे छाकाणि जो हिकिड़ो फ़र्दु हुयो साईं मुआशिरे जो हिकिड़ो फ़र्दु हुयो उन कोशिशि इहा कई त मुआशिरे में जेके बि बुरायूं आहिनि उन्हनि खे साफ़ु कयो वञे जेके नाजाइज़ियूं थियनि थियूं उहे ख़तमु कयूं वञनि चाहे उहो हुकूमत जी तरफ़ा सां उन ॾींहुं उन ज़माने में साईं एम आर डी तहरीकूं ऐं उन खां पोइ वन यूनिट वारा मसला खोड़ सारा उन खां पोइ जेको आहे डिस्क्रिमिनेशन सिंध सूबे सां ऐं जेको आहे फेडरल कैपिटल जेको आहे उहो पंहिंजे लिहाज़ सां हलंदो हुयो त बाबा जेको आहे ॾाढो एग्रेसिव राइटर हुयो इन्हनि सॼे मसलनि ते महिरबानी फैसल साहब असां ॻाल्हि ॿोल अॻिते वधाइण खां अॻु में भलीकार चवंदासूं पहिरियों शाइर तौरु से सरदार रमन शाह साहब खे सरदार अली शाह साहब असां वटि मिनिस्टर सियाहत ऐं सकाफ़त मौजूदु आहिनि साईं सरदार शाह खे भलीकार हाणे जीअं त फैसल सां हुनजी निजी हवाले सां ॻाल्हि नसीम साहब जे हवाले सां अॻिते हली त मां चाहियां थो शर्जील साहब खां बि इन ई कंटिन्यूटी में सवाल कंदो हलां शर्जील साहब जे फैसल साहब बि चयो त हू अहिड़ो दौरु हो जंहिंमें हिकिड़ो पॉलिटिकल टर्माइल बि हो ऐं उनखां सवाइ उनजी ज़ाती ज़िंदगी जा बि कुझु टर्माइल्स हुआ जंहिंमें ख़ासि तौर ते उनजे सिंध जो वॾो वज़ीर हो उन सां हिकिड़ो वॾो उनजो मामिलो जुड़ियल नज़र अचे थो उहो छा मामिलो ऐं ख़ुदि उनजो जेको शहादत वारो एपिसोड हो इहे कीअं छा इहे हिक ॿिए सां जुड़ियल हुआ या उहे अलॻि अलॻि वाक़िया रहिया आहिनि इहे ॾिसो जीअं मूं अर्ज़ु कयो त चाचा हाजी बख्श लाड़ेक मरहूम उन्हनि उहे भुट्टे साहब मरहूम सां फाउंडिंग मेंबर हुआ फाउंडिंग फादर्स हुआ पीपल्स पार्टी जा चाचा काई साईं क़ाइम अली शाह असां त उन्हनि खे चाचा क़ाइम अली शाह कोठींदा आहियूं बिकॉज़ उन्हनि सां तमामु घर जा तालुकात रहिया आहिनि उहे बि उन्हनि सां गॾु हुआ पर तंहिं हूंदे बि चाचा बाबा जीअं असां चाचा नसीम खे चवंदा हुआसीं हाणे बि चवंदा आहियूं त उन्हनि खे बाज़ाबता उन महिल प्लेटफॉर्म कोन मिलियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बिकॉज़ खैरपुर हमेशह खां हिकिड़ो हैवी वेट ज़िलो रहियो आहे ऐं उन महिल बि ज़ाहिर आहे जेको उन्हनि जी नौजवानी हुई 70s में पीपल्स पार्टी डोमिनेंट हुई सिंध में इलेक्शन खटी भुट्टे साहब त उन्हनि खे उहो प्लेटफॉर्म मिले कोन पियो पर उनजो इहो मतिलबु न आहे त उन्हनि जा को इख़्तिलाफ़ात का डेवलप थियनि पिया सो
कुछ वरी स्टोरीज के करे भी कुछ गालियों एडियो सामू आयो मुखे एग्जैक्टली तो याद ना है तो केड़ी स्टोरी पर मुखे साईं असलम जाफरी साहब ये कोट कयो त एकड़ी कें स्टोरी दे सीनियर अथॉरिटीज में शिकायत भी वही तो ढो ओपनली उन वारंट जारी थे हुआ वो जी जी तो वो दौर उन्हें डिठो उन में वो एकड़ो एपिसोड हो जैमें उन्होंने प्रॉब्लम्स आया पर बहरहाल मुख्य यो याद आ जेके चाचा बाबा जा हम असर हुआ दोस्त हुआ सियासी वो हमेशा उन्हें सपोर्ट में इंदा रहा उन्होंने उन्होंने कुवतन का हमेशा सेफ रखियो उन्होंने कोशिश भी क्यों उन्होंने प्लेटफॉर्म में अच्छा जो उनकी शहादत वो जो मामलो थो वो जाहिर है उन्होंने जो जरे घट कंपेनियन होंद जै उन्होंने शहीद किया उनके पुठिया सबब हुआ हाँ माना मास में तो फर्जन का पुजे तो बेहतर है तफसील तुम बुधा तो उनकी शहादत वाली जी स्टोरी है थोड़ा ही मुख्तसर जी असाजे इतने मौजूद मानू उनकी शहादत बुधन पाया पर उनका सबब हुआ कें वो केर हो यो जैसे बुधाइंदा तो मानून के आगाही मिली वी साई बुखारी साहब बाबा के जै शहीद कर बाबा उनके पालो हो जो नालो हो रब रखो नारे जो असाजे गोठ जहा हुआ सही जो एक माता के पैर बुधायम तो बाबा जो अवली ख्वाहिश और कोशिश यह होंगी हुई तो जो गोठ जहा अबोजड़ा उन में शहूर अचे और पढ़न लिखन तो बाबा जन उन समझो तो बाबा उनका गार्जियन हुआ बाबा उन्होंने पढ़ाया लिखाया उनका सिंध यूनिवर्सिटी में आया सिंध यूनिवर्सिटी जिन यूनिवर्सिटी जहाँ जो माहौल हों कामरेडशिप और हे हो उन जमाने में यो शूर अज भी शायद मू ये समझना तो जो वडेरो वो जालिम जरूर है तो वो उनके पॉइजन किया वो उन जमाने में उनके मिसगाइड किया वो उन लिहाज से तो शायद उन जमीन से मसलो असा है हालांकि अड़ी कई गाल हुई जो खरलाबाद जो सही वो घट में घट अरड़ा सौ सतवंजा में सही अस हिजरत कईसू पंजाब में सही अरड़ा सौ सतवंजा जैसे राय अहमद खान खरलजन शहीद थे तो अस इत आया सही अरड़ा सौ सतवंजा के आखिर में या अरड़ा सौ अठवंजा के शुरू में तो उनका जो मेहरबानी थी आई मीर साहबान की जमीनू मिली तो वो हुई तो असाज पर समाव इन अदर उन मिसगाइड किया बबा ती जमीन खरलन जो जो कब्जो आ और ढी माइनॉरिटी में ढी नंढी ये कौम आ और नारे जहा बिरादरी तमाम घनी आ तो इनके ओवरकम कर वो उनके डेफिनेटली पाड़े जहाँ जो भी हुआ मोतबरीन थोड़ा घना उन सपोर्ट रही छाकाण जो बाबा हमेशा उनके मुँह पे वो हो नंढड़ो मिसाल दें तो जो पर्यों पर्यों स्कूल कच्चे में आयो असाजे खरलाबाद तो वो मुझे डाडे बाबे के नाले से आयो हाजी अब्दुल करीम खरल जो खरलाबाद में सही लगणो हो लगी भी वो वही पाड़े जो एक घड़ंग जमींदार मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थो हालांकि उन महल जैसे स्कूल वो आयो तो उन सभी दोस्त पाड़े के जो भी मोतबरीन हुआ उन एतराज़ किया एतराज यो किया अगर यह पढ़ाई आम थी और कें अबोजड़े के शूर इंद तो असा हर पा अस नौकर या असा वाठा केर थी बहरहाल बाबा उन गाल के कोन बुधो बाबा स्कूल आंदो पो कुछ अरसे का पो एकड़ो पाड़े जो जो जमींदार वो सही मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थो और थो यो तो वो क्रेडिट उन खी वो उतों स्कूल खड़ी पांजे मुझे गोठ में रखियो फुलुअ में और चवण जो मकसद ये तो अज गोठ जो नालो अजा भी हाजी अब्दुल करीम खरल है ठीक असें हाँ अदल साहब ते वधंदासूं तो अदबी हवाले से नसीम खल जो जिते कहानी पढ़े के हवाले से एक तमाम वो नालो है पर उन सवाए उन स्टाइल जैसे असलूबियत चवंदा तो जै क्लास में हो एक वडेरो क्लास उनखा पो वरी आम मानू सा उनको रहन हुयो जी उनकी कहानी है उनमें असाके जी सिफती शयों उनकी घणाई मिले थी जी आम कहानीकार में ना तो छा उए उन आम मानून मा खणी समझोता उनमें शामिल कयूं या हु जो उनको मुतालियो हो जो इब्राहिम बुधायो तो उनमें मुतासिर हो हेनरी मोपासा या प्रेमचंद का वो उनमें शामिल आंदो स्टाइल में लाजमिया शॉर्ट स्टोरी राइटर जो समझा तो वो एक आर्टिस्ट भी हुयो आर्टिस्ट कहानीकार जी उन खास तौर से तनकीद जहाँ थी वह रसूल वेशपली साहब कई बी हुई साई नजम बबाजी साहब उ तो वो
हर कंहिं वटि पंहिंजा हिकिड़ा नज़रिया आहिनि, पंहिंजी नज़रियाती आहिनि, कूं आहिनि, उन्हनि जे हिसाब सां हू उन्हनि खे ॾिसनि पिया। ऐं हुन जी राय इहा हुई त नसीम खल जेको आहे सिर्फ़ु हिकिड़ी शयुनि खे पेश करे थो पियो, या जेके हक़ीक़त निगारी आहे, या जेके अक्स समाज जा जेके अक्स आहिनि बुरायूं आहिनि, या वॾेरे क्लास जूं जेके उणायूं आहिनि, उन में हू हिकिड़ी मिसाल जीअं वॾेरो कैरेक्टर आहे, त उनखे उन जूं जेके उणायूं जॾहिं बयानु करे थो त पोइ हू धुर नथो बणिजे। ऐं हुन जो इहो ख़्यालु हो त घटि में घटि जेको राइटर आहे, कहाणीकार आहे, उनखे हिकिड़ो उन नज़रियाती तौर ते बि क्लियर हुअणु खपे त हू कंहिंसां गॾु आहे, या तबक़ाती समाज आहे, उन जा जेके तज़ाद आहिनि उन्हनि खे बयानु करणु खपे, या जेको मज़लूमनि सां जेको अन्याय थिए थो पियो उन में हू कहाणीकार वाज़े हुअणु खपे त हू कंहिंसां गॾु आहे। पर नसीम खल ईअं न कयो। नसीम खल असांखे उहो समाज जो हिकिड़ो उहो अक्स ॾेखारे थो पियो। ऐं जीअं मिसाल दारुल फलाह कहाणी आहे, त दारुल फलाह में जेको दारुल फलाह हलाईंदड़ माण्हू आहे, जेको सेठ आहे, उहो ख़ुदि जेको आहे उहो हिकिड़ो समाज जो हिकिड़ो या ख़राबु किरदारु चइजे, या जेको औरतुनि खे उते हुन इदारो त क़ाइमु कयो आहे पनाह ॾियण जो, पर हू ख़ुदि जेको आहे उते जेके औरतूं अचनि थियूं पयूं उन्हनि जे हवाले सां हुनजो किरदारु मशकूक आहे। उहा जेका उते हिकिड़ी छोकिरी जी जेका दारुल फलाह में अचे थी पई, उहा हुनखे सुञाणे थी पई त उहो ई माण्हू आहे जंहिं मुंहिंजी नथ लाथी हुई। ऐं उते जॾहिं हू छोकिरी उते दारुल फलाह में दाख़िलु थिए थी त उतां जी जेका नौकिराणी आहे जेका हुनखे माई सम्झाए थी त हिते जेसिताईं तूं इन्हनि सां तूं ठही न हलंदी आहे तेसिताईं तोखे हिते पनाह कोन मिलंदी। त समाज जा जेके नासूर आहिनि या उन जूं बुरायूं आहिनि हू उन्हनि खे आर्टिस्टिक अंदाज़ सां बयानु करे थो पियो, ऐं फ़ैसिलो जेको आहे उहो पढ़ंदड़ ते छॾे थो त हू पढ़ंदड़ पाण फ़ैसिलो कनि त हीउ समाज हीउ कैरेक्टर आहे। हुते नेरेशन नथो ॾिए, डिक्टेशन नथो ॾिए। मिसाल जीअं आमतौर ते असां वटि कहाणी में जेका आहे हिकिड़ी वरी राइटर तरफ़ां वरी नेरेशन बि हूंदी आहे त बाबा हाणे हीउ ज़ालिम आहे या थोरी सही कंदासीं। साईं अयाज साहबु, हा वरी त हा साईं अदल साहबु तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि मुकमल कयो। हा साईं, असुल में छा आहे त हुनजे फन ते हिन जी कहाणी जे हवाले सां साईं जी ॻाल्हि थिए पई। हाणे जेका बि कहाणी तव्हां खणंदव ऐं उन में हाणे जीअं हिते काफ़र कहाणी जो जेको निकितो या चोटियूं दर बि हिन वॾेर के समाज जूं जे ख़ासि तौर ते जेके कारोकारी जे हवाले सां जेके तइदादु उन्हनि में बि उहो बयानु थियलु आहे, या काफ़र जीअं इब्राहिम ख़ल ज़िक्र कयो त उन में बि तव्हां ॾिसंदो न त हू माना धुर नथो थिए, माना हू हिकिड़ी शइ बयानु करे थो बाबा तव्हांजे साम्हूं। उन में असांजो जेको समाज आहे, असांजा जेके सकाफ़ती रवैया या असां माण्हुनि जी नफ़्सियात अॼु बि साॻी आहे, अॼु बि क़बाइली उहा ई सोच आहे, माण्हू अॼु बि केतिरा ई क़बीला आहिनि जेके पंहिंजी ज़ाति खां ॿाहिरि शादियूं नथा कनि या उनखे एप सम्झनि था। इहे तज़ाद समाज जा आहिनि, उनखे उन नसीम खल तमामु कारीगरी सां बयानु कयो आहे। मिसाल जीअं असांजे वॾेर के समाज जूं जेके नफ़्सियात आहे, मिसाल हिक ॿिए खे घटि ॾेखारणु, अना परस्ती, यानी ॾेखाव निमाइश, कर्ज़ वठी काज करणु, या ॿिए खे हेठि ॾेखारण लाइ लखे रुपया ख़रीद करे छॾींदा मुजरनि ते, हिननि ते। हिकिड़ी कहाणी आहे ज़ोर ऐं ज़र, उन में अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि आहे त उन जे छाकाणि त हू इहे सभु हुनजे मुशाहिदे हेठि आहे। नसीम खल साहिबु जेको जंहिं समाज में रहे पियो, उहो उथियो वेठो, त उहे सभु शयूं हुनजे मुशाहिदे में हुयूं ऐं उन मुशाहिदे जे आधार ते हुननि शयुनि खे बयानु कयो आहे। ऐं पर उन में हू
कहानीकार की हैसियत में एक आर्टिस्ट की हैसियत में असांखे वधीक मुनफरद नजर अचे तो पियो। साईं सभु हाणे असां नसीम खैर जे फन या उन जे कहाणियुनि जे मौज़ू आहिनि इन्हनि ते त काफ़ी पढ़ियो बि आहे, मवाद आहे, ॻाल्हायो बि वियो आहे, पर जेके उन जी ॿोली जो हिकिड़ो पासो आहे त उन जेके लफ़्ज़नि जो इस्तेमालु कयो आहे, जंहिंखे स्टाइल चइबो आहे, मां साईं खां बि सवाइ कयो, जेको उन जी तरतीब लफ़्ज़नि जी उन रखी आहे, किथे किथे उहा शाइराणी बि थी पई वञे, छा उहा जेकी शाइराणी ॿोली आहे कंहिं कहाणी में उनजो हुजणु अहिड़े तर्ज़ सां, इहो छा हिकिड़े आर्ट में तव्हां उनखे सम्झंदो शामिलु हूंदो या हू बुनियादी तौर ते उनजे अंदरि हिकिड़े शाइर वारी दिलि बि हुई? यकीन ॾिसो, जेको बि जीअं ख़ासि तौर ते करंट मां रेफरेंस, करंट कहाणी, गर्ड्स कहाणी, इन्हनि में थोरो नसीम कल जे तक़रीबन सभिनी कहाणियुनि में तव्हांखे इहे शयूं मिलंदियूं। मिसाल तौरु पहाकनि जो तुज़ इस्तेमालु जेको आहे उहो नसीम पंहिंजे कहाणियुनि में करे थो उनजो, ऐं मां खो तव्हां वटि घटि कहाणीकार आहिनि जिन जो नसुर बि थोरो उन में बि तव्हांखे पोइटिक जेको आहे सेंस मिलंदो आहे। जीअं तव्हां पाण ज़िक्र कयो त नसीम जे कहाणियुनि में असांखे किथे किथे तशबियूं मिलनि थियूं, तमामु ख़ूबसूरत तशबियूं मिलनि थियूं, शाइराणो अंदाज़ बि उन किथे किथे कहाणियुनि में मिले थो। सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त उनजी जेका कहाणीअ ते ग्रिप जेका आहे उहा शानदार तरीक़े जी रही आहे, जेतोणीकि उहो हिकिड़े मखसूस माहौल जो फ़र्दु हुयो, हिकिड़े मखसूल माहौल में हुन ज़िंदगी गुज़ारी हुई, पर उनजे बावजूदु जेकर तव्हां हुनजे ॻोठाणे माहौल में लिखियलु कहाणियूं पढ़ंदो त उहे पंहिंजे तौर ते शानदार कहाणियूं आहिनि, ऐं उन में जेका ॻोठाणी ॿोली आहे, ॻोठाणा लफ़्ज़ आहिनि, उन्हनि में ॻोठ सां निस्बत रखंदड़ जेके तशबियूं या इस्तारा आहिनि उहे नसीम खैर ॾाढा हुन में ख़ूबसूरत अंदाज़ में पेश कया आहिनि। पर साॻे तरीक़े सां वरी जॾहिं शहरी ज़िंदगी जी का कहाणी लिखे थो त उन में बि तव्हांखे नसीम खैर हिकिड़े बिना नए अंदाज़ जो हिकिड़ो कहाणीकार थी करे मिले थो। मां सम्झा थो मां ज़ाती तौर ते ॿिनि कहाणीकारनि खां पंहिंजी नौजवानी में मुतासिर थियुसि। हिकिड़ो उमर जलील हुयो जंहिं इब्तिदाई दौर में असांखे मुतासिर कयो जॾहिं शागिर्द हुआसीं, ऐं पोइ जीअं थोरो मेच्योर थियासीं त मूंखे नसीम खैर इलाही मुतासिर कयो। हेसि ताईं जो मूं जॾहिं एम ए जो इम्तिहान पियो ॾिनो त मज़मून वारे पेपर में मूं नसीम खैर ते हिकिड़ो मज़मून लिखियो ऐं मूंखे तमामु सुठियूं हुन ते मार्कूं बि मिलियूं। त नसीम जो पंहिंजो कदु काठ आहे, उनखे कंहिंसां बि असां भेटे नथा सघूं, पर पंहिंजे नौईयत जो, पंहिंजे अंदाज़ जो, भले हू कंहिंखां बि मुतासिर थियो या हुन कंहिंखे कंहिंखे मुतासिर कयो, इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे ज़हन में रखी करे बि असां जेकॾहिं कथ कंदासीं, परख कंदासीं त नसीम असांखे हिकिड़े वॾे कहाणीकार जे तौर ते मिलंदो ऐं उनजी पंहिंजी हैसियत ठहंदी। ठीकु आहे, इब्राहिम, हाणे नसीम खैर जी जेके कहाणियूं आहिनि उन में ॾिठो वञे त उन जूं अक्सरियत कहाणियूं शहरी ज़िंदगी मुतालिक़ आहिनि, पर तासुर इहो आहे त नसीम खैर जहिड़ो कर ॿाहिराड़ी जी ज़िंदगी खे वधीक फोकस कयो आहे। हुन जूं ॿाहिराड़ी जी ज़िंदगी ते मुंहिंजो ख़्यालु आहे 11 या 9 ईअं कहाणियूं आहिनि, पर हुन जी जेकी शहरी ज़िंदगी मुतालिक़ कहाणियूं आहिनि, जंहिंजो मां अॻु में ॿ टे रेफरेंस ॾिना आहे, करंट आहे, गड्स आहे, या ॿ चारि ॿियूं आहिनि, या आथत आहे जेके लाहौर में, उहा शहरी ऐं ॻोठाणी ज़िंदगी सां तालुक़ु रखे थी, सोशो पॉलिटिकल बि आहे, त पोइ उन ते नसीम खैर जी छा शहरी ज़िंदगी वारी जेकी कहाणी आहे उहा उनजी पंहिंजे उणत, पंहिंजे फ़न, पंहिंजे कंहिं कहिड़ी शइ में उन में घटिताई आहे जो हुनजी ॿाहिराड़ी वारी जेकी कहाणी आहे उनजो ईको अॼु ॾींहुं ताईं हलंदड़ आहे, हू उनजो ईको घटि आहे? तव्हांजो सुवाल तमामु ॾाढो बहितरीनु आहे। नसीम खैर खे पढ़ंदड़ मुंहिंजे ख़्याल में शहर खां वधीक ॿाहिराड़ीअ जो माण्हू आहे, ऐं नसीम खैर जेके बि 12 कहाणियूं ॿाहिराड़े जे हवाले सां लिखियूं आहिनि, तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ी कहाणी खणो उन जी पहिरीं मुराद, उन में 114 इस्तलाह, पहाका, तशबियूं आहिनि जेके उन जे माहौल मुताबिक़ आहिनि, त माण्हूअ खे अट्रेक्टिव उहे शयूं कनि थियूं जेके डायरेक्ट कंहिं माशरे जी अकासी कनि, बशर्ते हिन जे नसीम साहब खे जेकॾहिं शहर वारो माण्हू पढ़े त उन में अंग्रेज़ीअ जा लफ़्ज़, अंग्रेज़ीअ जा जेके इस्तलाह आहिनि, चमड़ियूं आहिनि, उनजी जेका नेटिंग आहे उनजी, उहा मुतासिर करे थी, पर हुन जूं जानदार कहाणियूं जेके आहिनि जंहिंखे असीं शाहकार बि सॾे सघूं था, उहे ॿाहिराड़ी जे माहौल ते लिखियलु कहाणियूं आहिनि, जंहिं सबबु असांखे इहो महसूसु थी रहियो आहे त आया नसीम खैर जेको ॿाहिराड़ीअ जो आहे लेखक वधीक बहितरु आहे।
पर ये ना नसीम खल वटे जो शहरी माहौल उन में इंसान की नफ्सियात औरत की नफ्सियात उनकी रहनी करनी लिविंग स्टैंडर्ड्स उनको एडी शानदार नमूने से बयान कल है। मां समझा तो एक असी उन पर्यों पहर कहानी के खूँ तो वह सागी हार वारी है जैमें असी दुनिया जो नेकलेस मशहूर कहानी है मुफासा की तो उन सागे स्टैम्पो में लिखल है तो जैसे हार विजी तो वे तो केतरी मेहनत कंदा आखिर में वह खबर पे थी तो वो नेकलेस कूड़ो हो पर नसीम खल उन औरत की नफ्सियात के बयान किया है तो वह हार के लिए पाँच मुड़स से कड़े किस्म जो रवैयो अख्तियार थी करे तो जो नेकलेस मूं हो तो नसीम खल जो जी कहानियों उन में मां समझा तो शायद कें कम भी कयो उन जे लुगत ते लेकिन नसीम खल की कहानी की जगह लुगत तैयार थे तो मां समझा तो अबाउट 5000 वर्ड्स जेके आन उन में उहे अची वञन था तो नसीम खल बिनी ये कोने तो को शहरी हवाले से लिखियो आन पर असाजे जो पढ़ंदड़ जो रेशो आए या नसीम खल के जेके मानू पढ़न था जेके उनके चाहन था वो घणो जो है वो बहराड़ी के माहौल के पसंद करे तो मेहरबानी इब्राहिम खल मेहरबानी सही शजील खल साहब सही अयाजगुल साहब सही अदल सुमरो साहब सही फैसल साहब एडा नेक्स्ट सेशन लाए चवन पे त शुरू थेनो आए चो तो पहिरियों सेशन तमाम घणो हलियो सिर्फ चोटी दर ते एकड़ो आखरी मुजी तो वो फेवरेट स्टोरी आ जी बिकॉज़ डायरेक्ट मुजे डिपार्टमेंट जी बदमाशी जाहिर पे थे उनमें सो उन जो खैर स्टोरी तो मां चार पंज दफा पढ़ी आ ए रिसेंटली भी पढ़ा पियो सो मुझो इन ला न पो चवा तो ऑडियंस के महसूस करणो आ या मेरी मां पांजे तरफा ही गाल ठाया पियो पर मोसा भी यो पर्सनल एक्सपीरियंस थियो ए थियो भी चोटी दर ते जे हवाले सा ए थियो भी लाश अटकी उते जने ता सखर में डी आई जो सखर उस मुखे आई थिंक 14 जुलाई न हुई शहादत वारो डी न हो चाचा जो पर मां से तो 20 या 22 जुलाई हुई पर शायद कुदरत जो काड़ी गाल हुई त थियो यही त मुखे फोन कयो मुजे सखर जे ए सेक्शन वाले सूबेदार ये सर एक लाश पातो आ चीफ पंजा आया इरीगेशन वारा परचो दाखिल कराना है पर वो असांजी हद ना है वो रोड़ी जी हद है माँ जो फातो किथे आ लाश चाहिए नहीं चोटी दर में सो आई गेस वो पौने डी तो खैर वो डिसाइड करे छो तो ये जुरिसडिक्शन सखर जी आए पो वो नोटिफाई भी करे छो पे शायद नोटिफाई न हो नसीम साहब ये पांजे इमेजिनेशन सा उनके एकड़ो स्टोरी डेवलप कई सेटल करे छो मां जो हाँ इन स्टोरी जो क्लाइमेक्स यो आ यो सजो दरिया वारो जेको भी विट था बिनी पास न हो सजो सखर की जुरिसडिक्शन होंगी सो हाँ वो स्टोरी पढ़ने के महस ला तो है पर वरी हाँ इन जुरिसडिक्शन से इशू को कम अज़ कम इतने को बिल्कुल इन कहानी के हवा से असा भी तकरीबन रिपोर्ट कंदा रहा हर अखबार में एडिटोरियल में जिक्र थी तो चोटियों दर उन वक्त ताई जैसे नसीम खल साहब कहानी लिखी चोटियों दर वक्त रोड़ी ए सखर की हदबंदी न हुई ही बाद में जो उनकी हदबंदी कई पर जो स्टोरी राइटर की इमेजिनेशन्स होंगे उनते उन कहानी जी घड़ी ठाही जैसे कर पढ़ने में दिलचस्पी पैदा थी उनही जो क्लाइमेक्स है शर्जील साहब तुम्हें बुधाओ मां सभी मेहमान तमाम घणो एकड़ो मुझी रिक्वेस्ट है इन सजे हाल का गुजारिश ही है तो नसीम खल के एकड़ी अदबी हवाले से तो सब मानू आनर दियन था के मुख्तलिफ ग्रुप उन क्रिटिसाइज कन था थन घुर्जे क्रिटिसाइज सुठी गाल है पर मुझे ख्याल में उहे केस या उहे एफआईआर जेके उन दौर में उन नसीम खल ते कटियूं वयूं उनखे ओपन थियणु घुर्जे घणी एफआईआर हुयूं 6 हुयूं शायद उन 8-10 एफआईआर आहिनि जेके उन ज़मीनुनि जे हवाले सां आहिनि जेके उन जे कब्ज़े जे हवाले सां आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में उहे ओपन थियणु घुर्जनि त जीअं आम अदीब खे इहा ख़बर पवे त नसीम खल सिर्फ़ु वॾेरो न हुयो राइटर भी हो भले उन केतरा ही पैसा भले उन तनकी थे घुर्जे तो वो ओपन थे घुर्जन पर मुझे ख्याल में इं शे वाजि थे घुर्जे तो नसीम खल डेडो हो या कें बी धुर डेडो हो तो इं जी अस इन केस स्टडी में शजील साहब वेठो है पा मां तो गुजारिश कद सजे हाल के इन इं रीओपन थे घुर्जन तो उन आखिर आया उ मसाला कड़ा हुआ जैसे सिंध का ही वो कहानी